तो हेलो गाइज, मेरा नाम है मियंक। तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो गाइज यार देख रहो, इस टाइम पर तो मैं सोया हुआ था और अचानक से जिमी आया और इसने मेरे को उठाया और ये बोल रहा है कि इसका एक फ्रेंड है, देख रहो, रेड कलर की गाड़ी लेकर के आया और बोल रहा है कि डैड आप इससे रेस करो। और मेरे फ्रेंड ने मुझे चैलेंज दिया और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि इसको आप चुटकियों में हरा दो। और कुछ ज़्यादा चमलता है यार कॉलेज में इसका फ्रेंड ये, तो जल्दी से ना इसके पास चलते हैं। और भाई यार इस चैनल पर मैंने फेस कैम तो मैंने पहले भी करे थे और अब भी कर रहा हूँ। गाइस इस वीडियो को लाइक एंड पूरे 5K का जल्दी से कंप्लीट करवा देना और 50K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो सबसे पहले तो सबके साथ वीडियो को पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर देख रहे हो भाई, ये है इसका फ्रेंड और ये है इस फ्रेंड की गाड़ी। और ये भाई ऑडी है, पक्का R8 ऑडी तो है ही है ये। इसको देख रहे हो भाई, पूरे ना चौड़ में ये यहाँ पर ले आकर के खड़ा हो चुका है इस गाड़ी को और जेस्को से टक्कर लेने के लिए कह रहा है। वो भाई जिमी के सामने बहुत ज़्यादा चमलता होगा, तभी जिमी कह रहा है कि डैड आज मैंने उसको अपने घर पर बुलाया है। और आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बुरिया पर चल रहे इवेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। इवेंट का नाम है वॉच क्लिप्स टू विन 100% विन। अगर आपको फ्री फायर में फ्री में रिवॉर्ड्स चाहिए तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जाकर के 15 मिनट क्लिप देखनी है, आप इसको हराओगे। तो देखते हैं भाई कौन जीतेगा आज इस रेस में। और जिमी ने एक तरह से अपने को चैलेंज दिया है। चल भाई जिमी, अब मेरी बात सुन, आजा भाई तू अपनी हाँ सलूट मारना बंद कर, मैं जीतूंगा वैसे भी क्योंकि मैं जिमी का डैड हूँ। तो जल्दी से ना एक काम करते हैं, जिमी तो उसके साथ बैठेगा कि मेरे साथ बैठेगा पता नहीं भाई, अब ये तो जिमी पे है। जिसकी तरफ जिमी को लग रहा होगा कि वो बंदा जीतेगा ये उसके पास ही बैठ, भाई कोई इज्जत ही नहीं है इसके खुद के डैड की। उसको लग रहा है कि उसका फ्रेंड जीतेगा और वो मेरे साथ, अरे भाई ये बंदा पागल है क्या। यहाँ से बेटा हम लोग नई रेस को शुरू करेंगे, हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ जाएंगे और जो सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचेगा लॉस सैंटोस के वो जीत जाएगा। अब पहले ना मैं लोकेशन का मार्क लगा लेता हूँ और यहाँ पर पहले रोकूँ गाड़ी को अपनी ले आकर के। यार इसको मैं क्या ही करूँ, मार भी नहीं सकता ना। अब जल्दी से अपने को ना एयरपोर्ट की लोकेशन ये है, मैंने तो अपने GPS में मार्क लगा दिया है। अब जल्दी से अपने को क्या काम करना है, 3, 2, 1 जब भी हॉर्न बजेगा उस टाइम पे हमें रेस को शुरू करना पड़ेगा। तो चलो यार अब जब भी हॉर्न बजेगा तभी हम लोग चलने वाले हैं। तो चलो गाइस अब जल्दी से यहाँ से ना हमारी रेस तो शुरू हो चुकी है। और भाई पक्का यार कंफ्यूज हो गया होगा वो बंदा और अपनी जेस्को है यार। वैसे गाइस यार वो बंदा भी बहुत ज़्यादा तेज है। अब जल्दी से ना अपने को सीधा आगे की तरफ जाना है और बिल्कुल वो अपनी ऑडी R8 को लगा करके मेरे पीछे ही आ रहा है और देख रुक के आई जंप मार रहा है। तो गाइस यार मेरे को तो ये लग रहा है कि वो रेस के चक्कर में जिमी को ना ठोक दे, लेकिन अगर उसने जिमी को ठोका मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। एक सेकेंड, इसने इस गाड़ी को ठोक कैसे दिया, इसमें जिमी बैठा है यार। जिमी को सोच समझ के बैठने चाहिए था ना, पर यार इस टाइम पर ना, अरे नहीं 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 जेस्को भाई उसने थोड़ी सी डैमेज तो दे दिया है। रुको भाई अब जल्दी से ना अपने को इसको हराना पड़ेगा। जिमी ने यार अपने को भरोसा करा और वो सोचा कि हम लोग इसको हरा देंगे। यार इस गाड़ी को ना मैं टक्कर मार के अभी गिरा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं गिराने वाला यार, इसने तो मेरा रास्ता ही बदल दिया है। कितना ज़्यादा खतरनाक ड्राइवर है यार, पूरा रास्ता ही मेरा बदल दिया। अब अपने को ना गाइस दूर से ले करके ना गाड़ी को भगाना पड़ेगा। नहीं गाइस मैं नीचे की तरफ गिर चुका हूँ, भगाता हूँ गाड़ी को एयरपोर्ट के थोड़ा सा क्लोज चलते हैं। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना भाई इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली उस बंदे ने मेरे को टक्कर मारी थी, मैं अपनी गाड़ी को लेकर के आ चुका हूँ और यार वो शायद से रेस जीत चुका है ना भाई। ऑडी कहाँ पर है उसके बिल्कुल भी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, शायद से वो अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ लेकर के गया होगा और मेरे को एग्जॉस्ट की आवाज़ तो सुनाई दे रही है। और यार मैं अपनी जेस्को को भाई क्या, अरे नहीं 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 वो जा रहा है सामने की तरफ। अब ये डोर खुला होता मैं अब भी चला जाता, खोल देना भाई, मन कर रहा है कि जो सिक्योरिटी वाला है ना उसको मैं पीट दूँ पकड़ के। अरे नहीं यार ये मैं रेस हार चुका हूँ, अब मेरे को नहीं पता भाई, जिमी पक्का यार हंसी रहा होगा। देख रहे हो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और ये बंदा यार बहुत ज़्यादा चोट में, कह रहा है यार तू तो बहुत ज़्यादा अपने आप को रेसर समझता है और मैं जीत चुका हूँ, भाई बच्चे ने हरा दिया तुम्हें। अब मैं इसको क्या बोलूँ कि जिमी बैठा था तब करके मैंने इसको एक भी टक्कर नहीं मारी और इसने इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं करी कि मैं जिमी का डैड हूँ। भाई ठोकता ठोकता अपने को यहाँ तक ले करके आ चुका है और अब इसको मैं एक चैलेंज देता हूँ कि काम कर जिमी, भाई मेरी बात सुन, तेरे को रिजल्ट पता चल जाएगा तो गाड़ी से उतर पहले, तो यहाँ पर आके खड़ा हो जा और तू टैक्सी करके घर जा और मैं पिक्चर्स वगैरह क्लिक करूँगा जब मैं जीत जाऊँगा। तो सही है। अब यार जिमी को एक बार मैं अपनी गाड़ी से उतार दूँ ना
या एक काम करते गाइस यार, जिमी को अपने साथ ही क्यों नहीं बिठा लेते। तो चल यार जिमी तू घर मत जा। अरे अपन को अंदर रखू? नहीं नहीं नहीं, वो डर जाएगा बच्चा भी इन बात के। तो जिमी तू मेरे साथ आ, तेरे को अब मैं चेस को रेस करवाऊंगा। इस रेस को मैं हार चुका हूँ, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। लेकिन अब जो रेस मैं करने वाला हूँ फुल टू टक्कर होने वाली है, बहुत ज्यादा खतरनाक वाली। और जो लोकेशन है वो मैं बता देता हूँ कि अपने को पलीटो के चंकिंग पैलेस तक जाना। वो जो फैक्ट्री भाई चंकिंग है, पता नहीं कलंकिंग बेल है, कुछ भी उसके जो नाम है, अपने को वहां पर जाना है। जब तेरी मर्जी होगी बेटा तब स्टार्ट कर देना रेस को। अब तू हॉर्न मारेगा, उस टाइम पर हम लोग चलेंगे यहाँ से। तो चलो गाइस यार देखते हैं। भाई साहब यहाँ पर रेस शुरू हो चुकी है और यहाँ पर ये आगे जाने की पूरी ट्राई कर रहा है, लेकिन इस टाइम पर ना मैं इसको बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दूंगा। देख रहे हो हल्की सी टक्कर तुम्हारे भाई ने इसको मार दिया है, और अब तो ना इसको ना मैं चांस ही खत्म कर दूंगा। तो चल निकल यहाँ से भाई, इसने ना कमजोर अपने को समझ लिया था। और जिमी कह रहा कि डैड बस उसको ऐसे ही हरा देना है। अरे नहीं, क्या टक्कर मार यार इस बंदे ने। एक सेकंड, अब इसको ना हाईवे से ही क्यों ना मैं नीचे उतार दूं। ऑडी आर रेट लेके कुछ ज्यादा चौड़ में है, जिमी के सामने चौड़ा हो रहा है। ये जब भी कॉलेज में आता है ना भाई, शो ऑफ करता अपनी गाड़ी का। और ये जीत, चल निकल यहाँ से, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये बच्चा बहुत ज्यादा दमदार है यार सही में। अपने को इस टाइम पर क्लंकिंग बेल्स तक जाना भाई, चंकिंग बेल्स, पता नहीं क्लंकिंग बेल्स जैसा कि उसका नाम है, बस इतना पता है उस फैक्ट्री का नाम बेल है। अब जल्दी से चलना पड़ेगा अपने को वहां पर। तो चलो गाइस यार देख रहे हो भाई, हम लोग इसके क्लोज तो पहुंच चुके हैं और मार्क लगा पड़ा है पूरा जीपीएस में, और हमें जाना है इस टाइम पर उस फैक्ट्री तक। और जिमी कह रहा है कि डैड इसको हराओ, नहीं तो अगर तुम आज दूसरी बार भी हारोगे, ये ना स्कूल में जा करके सबको बोलेगा कि मैंने ना जिमी के फादर को हरा दिया रेस में, जो ज्यादा चौड़ाता था जेस्को और एक बूढ़ो गाड़ी लेकर के। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, इसको ना खत्म ही करना पड़ेगा। जैसे मारूंगा मैं जान से इसको बिल्कुल भी नहीं भाई, बच्चा है यार ये। उधर इसको ना अपने को ना थोड़ा बहुत ना लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, जिस करके मैं ना इसका थोड़ा बहुत जो जो भी इसकी जो स्पीड है उसको कमजोर कर सकूं, और फिर हम लोग आगे की तरफ जा पाएं। ओ भाई यार मैं तो क्या ही कमजोर करूंगा, लेकिन नहीं कोई बात नहीं है यार, दिक्कत की हम लोग आगे वाले राइट से चलेंगे और जहां से अपनी गाड़ी को सीधा भगाते हैं, और रेस हम लोग जीतने के बहुत ज्यादा ही क्लोज है। गाइस यार इसको मैं चांस से नहीं मारूंगा, अपने को बस इसका बैलेंस बिगाड़ना पड़ेगा। देख रहे हो ये ना इस टाइम पर बच्चा बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है जीतने की, लेकिन यार हमें इसको जीतने बिल्कुल भी नहीं देना। अब तो यार अगर इसने भी टक्कर मारी उतर करके बंसूका बजा दूंगा भाई, देखा जाएगा यार जो भी होगा। तो चलो यार अब चल इतना अपनी गाड़ी को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज पहुंचने वाले हैं, और वो बंदा भी अपनी ऑडी आर रेट लेकर के अपने पीछे है। हट जा भाई, इतना बढ़िया जा रहा है, और पता नहीं क्या हो गया इसके दिमाग में, क्या चुल मची और सीधा अपनी गाड़ी के आगे आ गया। और भाई साहब ये जिमी का फ्रेंड है कि दुश्मन है भाई जिमी का? एक सेकंड, ये ज्यादा चौड़ा हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा चौड़ा हो रहा है। तो चलो सही है, इसको हम लोग बोर्ड में फंसा करके आ चुके हैं। अब जल्दी से अपनी गाड़ी को हम लोग लेकर के भागते हैं आगे की तरफ। और ये जो रेस है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है यार सही में। अब भगाते हैं इधर यार, ये ऑडी लेकर के पीछे पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा, अरे नहीं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ जाने देते हैं। और यहाँ से भाई सब बच गए यार, अभी अपनी गाड़ी की भी बहुत ज्यादा बेकार स्पीड हो चुकी थी। अब थोड़ा सा ना इसके पास चलते हैं और इसको ना थोड़ा लेफ्ट राइट कर देते हैं यार, ये मौका बहुत ज्यादा बढ़िया है, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। तो चलो गाइस इधर हम लोग अपनी गाड़ी को आगे की तरफ लेकर के पहुंच चुके हैं, और जो उसकी टक्कर मैंने ट्रक में लगाई है ना भाई, तसल्ली आ गई है जिमी और मेरे को दोनों को। अब भगाते हैं इस गाड़ी को, और वो भाई पीछे की तरफ पूरा जोर लगा करके अपने पीछे पीछे आ रहा है। ओ भाई बच चुके हैं यार, और वो अभी भी अपनी ऑडी आर रेट लेकर के अपने पीछे लगा हुआ है। और बस ये जो टनल है हम लोग अगर क्रॉस कर जाएंगे तो समझ रहे हो हम लोग इस रेस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जीत जाएंगे। और इस टाइम पर इसकी स्पीड 200 से भी ज्यादा हो ही पड़ी है, बस 300 क्लोज टच होने वाली है, और 300 हो भी चुकी है टच। तो चलो यार बहुत ज्यादा आराम से अपने को यहाँ से निकालने अपनी गाड़ी, और वो अपनी ऑडी को लेकर के पीछे की तरफ आ रहा है। तो चलो सही है, पहले हम लोग सोच रहे थे कि फैक्ट्री जाएंगे पर वहां नहीं जाएंगे, यहाँ पर एक आइलैंड पे बहुत ज्यादा क्लोज लोकेशन है, हम लोग वहां पर जाने वाले हैं। तो चलो यार अब जल्दी से भगाता हूँ इस गाड़ी को, हट जाओ भाई सबके सब, देख रो भाई क्या। अरे नहीं नहीं नहीं, लास्ट बिल्कुल टाइमिंग पे मेरे को हारना नहीं है उससे, हम लोग बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं, और वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा भाई, वो कहां पर जा चुका है। तो चलो यार अब जल्दी से चलते हैं। ओके तो गाइस फाइनली ये बंदा यहाँ पर आ चुका है, इसके गोली बचा दूं क्या मैं? छोड़ो यार गोली उली कुछ नहीं बचाऊंगा, हम लोग बस इस रेस को जीतने वाले हैं। और जल्दी से चलते हैं सीधा इस लोकेशन पर, और हम लोग फाइनली इस रेस को जीत जाएंगे, और वो अपनी ऑडी को लेकर के आ रहा है। तो चलो यार अब हम लोग फाइनली इस रेस को जीत चुके हैं, और अब इसका मुंह देखना है भाई, ठोकेगा क्या? नहीं भाई ये यार इस टाइम पर बहुत ज्यादा चिढ़ चुका होगा। कैसी लगी भाई? सही है ना इस टाइम तू बोल सॉरी मेरे को और जिमी को? तो चलो यार
इस वैसे इस वीडियो का सीरीज से कुछ भी लेना देना नहीं था, ये तो एक बस छोटा सा चैलेंज था। अगर आप ऐसे और चैलेंज चाहते हो तो जरूर से ना कमेंट करके बताओ, हम लोग ऐसे ही चैलेंज कभी जिमी से रेस करवाएंगे, या तो किसी ट्रिप पर चलेंगे माउंटेंस पर, या तो गोस्ट हंटिंग करने चलेंगे। भाई ऐसे ही हम लोग काम करने वाले हैं, ये एक तरह से अलग सीरीज मान सकते हो अपने इस चैनल की। तो चलो गाइस यार, अगर आपको ये पहली वीडियो अच्छी लगी तो 5K लाइक कंप्लीट करवा दो, चैनल पर चैनल को भी जरूर से ना सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल। भाई इसको नहीं, एक सेकंड, इसको चलाने वाले हम लोग, देख लो स्काई शॉट्स हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया यार, हम लोग तो अब जीत ही चुके हैं। तो चलो यार मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।